आज के एपिसोड में हम देखेंगे इसका क्या जवाब दें हम। कुछ पहला नहीं तो है, आपने कुछ दिया कि अभी नहीं सोचे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं सोचे हैं, कोई फिक्स भी नहीं है। अच्छा, नहीं सोचे मैरिज अभी नहीं कुछ सोचे भी नहीं हैं। रहे। थोड़ा हाँ, थोड़ा कामयाब हो जाते हैं पहले, अपने अच्छा, आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं और उसके बाद हम सोचेंगे। ये तो जरूरी बात दो है। फैमिली, ये तो बंगाली फैमिली में आप लोग को पता ही है, 24-25 के बाद से मम्मियां बोलने लग जाती है, शादी कर लो शादी कर लो। सेलिब्रिटी कोई क्रश है, कोई क्रश पकड़ ली? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा को। हाय फ्रेंड्स, दिस इज जगत सरकार एंड दिस इज गोपाल सिंह। सब्सक्राइब करें theworldcricket.com और बेल आइकॉन प्रेस को दबाएं रेगुलर वीडियोस अपडेट देखने के लिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका theworldcricket.com पे। और ये हमारा जो है पहला वेब शो है जिसका नाम हमने रखा है द लॉकडाउन शो। इस शो में जो है हम बंगाल टेनिस क्रिकेट के जो दिग्गज प्लेयर्स है उनका करेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू में ये होगा कि हम ना सिर्फ टेनिस क्रिकेट रिलेटेड बातें करेंगे, साथ ही जो है हम उनके पर्सनल लाइफ, उनके पैशंस, उनके हॉबीज के बारे में भी बात करेंगे। तो मेरा नाम है किशोर कुमार बैनर्जी, मैं आपका एंकर, और मेरे साथ मेरे को एंकर आदित्य कुमार पांडे जुड़ चुके हैं। हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे। तो आदित्य, सबसे पहले बोलो कैसा लग रहा है, एक्साइटेड हो? आदित्य, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इस शो के लिए। बहुत सारे जो है लोग आने वाले हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि फैंस को कैसे लगते हैं ये शो, बंगाल टेनिस क्रिकेट प्लेयर लोग के साथ उनका रूबरू होगा आज पहली बार, जहाँ पे वो क्रिकेट के साथ साथ उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान सकेंगे। तो दोस्तों, इसी बात के साथ जो है हमारे पहले जो गेस्ट रहेंगे, पहला एपिसोड जो है हमारा, इसका पहले पहले जो गेस्ट रहेंगे उनको बुलाते हैं। हमारे पहले गेस्ट है प्रिंस ऑफ तारकेश्वर जगत सरकार, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू। हाय जगत, वेलकम टू द शो। हेलो आदित्य, वेलकम टू द लॉकडाउन शो। हेलो आदित्य भैया, हेलो। दिस इज दी एडा, ये पहला ऐसा लॉकडाउन शो है बंगाल टेनिस क्रिकेट प्लेयर लोग को लेके, तो आपको कैसा लग रहा है शो पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले भी मैंने एक शो किया था एमडीबीआर के साथ, वो काफी अच्छा गया था, फिलहाल एक और कर रहा हूँ तो काफी अच्छा लग रहा है, देखते हैं अभी। तो इस शो पे हम लोग बंगाल टेनिस क्रिकेट प्लेयर लोग के साथ उनके लाइफ को लेके बात करेंगे। वैसे तो क्रिकेट लेके बात सभी करते हैं, और क्रिकेटिंग लाइफ जो आपकी है वो सभी को पता है बंगाल में और बंगाल के बाहर भी, मगर पर्सनली जगत सरकार को कितने लोग जानते हैं वो इस शो के जरिए सबको मालूम चलेगा। तो क्या शो को चालू किया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो है वो बस अर्जी लेनी है कि आप बोलो कि चालू कर दो शो, चालू कर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए। तो पहले ये बताइए कि आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है? लॉकडाउन फिलहाल ठीक है, हम लोग तो ठीक ही है, लेकिन काफी लोग बहुत परेशानी में है। लाइक काफी लोग बाहर है जो अभी पैदल चल के घर आ रहे हैं, तो उन लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। सरकार भी कुछ खास मदद नहीं कर रही है उन लोग को, तो ये बताना चाहूंगा कि वो लोग अच्छे से आ जाए तो सब ठीक रहेगा। फिलहाल हम भी तो घर पे हैं, फिर भी ठीक है, क्रिकेट नहीं हो रहा है, ये तो मतलब बहुत ज्यादा खराब लग रहा है कि अभी क्रिकेट नहीं हो रहा है, नहीं खेला हो रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, ग्राउंड पे जा रहे हैं सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग 5 to 7 AM, तो ऐसे ही चल रहा है लॉकडाउन, और चाहूंगा कि जल्दी खत्म हो जाए लॉकडाउन। इसी पे दूसरा सवाल जो मेरा रहेगा वो रहेगा कि फिट रहने के लिए क्या क्या रेजिम ले रहे हो, एक्सरसाइजेस क्या चीजें फॉलो कर रहे हो, ये बताओ। स्पेशली अभी तो कुछ जिम विम सब कुछ बंद हो चुका है, तो स्पेशली रनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया हम, ग्राउंड में सुबह जा रहे हैं, 2-3 यहाँ पे आ जाते हैं, काफी लोग आते हैं, मतलब जूनियर लोग जो प्लेयर बनना चाहते हैं फ्यूचर में वो लोग आते हैं काफी, तो उन लोग के साथ
करने में, रनिंग करने में, वार्म अप करने में, थोड़ा एक्सरसाइज करने में, तो काफी इंजॉय होता है। स्पेशली रनिंग आप करो, फ्री हैंड एक्सरसाइज करो, तो आप अपने आपको फिट रख सकते हो, और स्पेशली खाने पे ध्यान दो तो फिट रह सकते हो आप। अभी आपने कहा कि आप रनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, तो एक बात पूछना चाहूंगा कि इस ये जब सीजन स्टार्ट होगा तो हमें क्या जगत सरकार को दौड़ के रन लेते हुए देखने मिलेगा? अच्छा सवाल है। या फिर आप सिर्फ बाउंड्री में ही डील करते हुए वही इनिंग्स देखने मिलेगा? नॉर्मली हम देखते हैं कि 10 10 बॉल आपने खेला, 50 रन मार दिया, 8 गो छक्के लग गए, कुछ इस तरीके का। नहीं, वो एक्चुअली ग्राउंड बहुत छोटे होते हैं बंगाल में, तो आप काथी में देखोगे तो काफी रन सिंगल दो एक दो रन होते हैं, और बाहर खेलने जाओ तो एक दो रन बहुत वाइटल होते हैं। लेकिन ऐसे बंगाल में इधर उधर काफी छोटे ग्राउंड होते हैं। जो ऐसे एक टूर्नामेंट था दुर्गापुर का टूर्नामेंट, दुर्गापुर जो पहला हम लोग के साथ अगेंस्ट में मैच था, शायद उमर 11 के साथ, जेबीएल के साथ, उसमें मैंने काफी सिंगल खेला था, शायद मैंने 15 या 16 सिंगल खेले थे अपने 50 में। वो 10 ओवर के गेम मिलेगा तो जरूर सिंगल खेलेंगे हम अपने विकेट बचा के, लेकिन गेम ही होता है 4 ओवर 5 ओवर, तो एवरी बॉल हमको हिट करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। तो आप क्या तारकेश्वर से ही बिलोंग करते हैं, तो आपका जन्म क्या तारकेश्वर में हुआ था या कहीं और? जी, तारकेश्वर में हुआ था। जी, तारकेश्वर में ही हुआ था। और स्कूलिंग कहाँ से की थी आपने? जी, मैं तारकेश्वर से किया हूँ स्कूल। छोटे जब थे तब एक नॉर्मल स्कूल था प्राइमरी, उसमें किया था, और फिर तारकेश्वर हाई स्कूल में फिर मैंने किया, स्कूल ज्वाइन किया। तो सवाल अब दूसरा, इसके बाद वाला सवाल इसी पे रहेगा कि स्कूल या कॉलेज लाइफ में, ठीक है, स्कूल या कॉलेज लाइफ में ऐसा कोई घटना हुआ हो आपके साथ जिसके लिए गार्जियन कॉल हो गया हो? नहीं नहीं नहीं, मैं काफी बहुत काफी मतलब शांत टाइप लड़का हूं। अच्छे स्टूडेंट थे? अच्छे स्टूडेंट उतना नहीं, मतलब पढ़ाई में ठीक ठाक था वैसे, लेकिन ओबीडियंट थे आप? हाँ हाँ, झमेले ये सब से बहुत दूर रहता था। मारपीट झमेला ये सब, मतलब जगत इक्वल टू नो मारपीट झमेला। सभी से मेरा दोस्ती था, जो लोग मतलब शैतान थे उससे भी दोस्ती था, जो लोग अच्छे उससे भी दोस्ती था, तो मेरा कभी हुआ नहीं ऐसा कुछ चैप्टर। तो कभी, अभी तो लॉकडाउन है आपको ही पता, और आपके दोस्त लोग, और फेसबुक पे ट्रेंड भी चला है कि सब कोई अभी कुकिंग कर रहे हैं फ्री टाइम में, और कुक करके उसको फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम में भी डाल रहे हैं, तो आपने भी ट्राई किया या अभी तक नहीं किया है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती है, और खैर मैं अपना सुबह का ब्रेकफास्ट खाली बना सकता हूँ, उसके बाद तो मेरे को बिल्कुल नहीं आती कुकिंग। कॉफी वगैरह बनाना आता है बस, यही, उसके बाद कुछ नहीं आता। तो ब्रेकफास्ट में क्या बनाते हैं? इस समय पे आप क्या कर रहे हो, मतलब पैशन के सर? फेसबुक में हम लोग क्या कुछ ना कुछ तो पोस्ट करते रहते हैं इस टाइम पे, क्या अपना वो जो फिटनेस? हाँ, आज मैंने रनिंग का फोटो पोस्ट किया था कि सुबह मैं आज गया था, तो आज काफी अच्छा फिटनेस हुआ था, और मैंने ना ये क्योंकि इसीलिए पूछ रहे कि आपसे जो है बहुत जो इन्फ्लुएंस होते हैं यंग प्लेयर्स जो इन्फ्लुएंस होते हैं। जी, ये तो मेरी मतलब मैं अपने आप को प्राउड मानता हूँ कि होता है। आप ही के टीममेट्स है राणा अविनाश, वो तो अभी कुकिंग कर रहे हैं, लास्ट मैंने देखा था कुछ कुकिंग कर, चिकन बना रहे थे। राणा अविनाश बहुत टैलेंटेड है, वो टिकटॉक भी बहुत अच्छा करता है, एज ए बहुत वो ट्रैकिंग भी करते हैं। अच्छा, काफी अच्छा, मैं बताऊंगा आपको, अगर आप एक घंटे उसके साथ बिताओगे, उनके साथ बिताओगे, तो वो काफी अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन है, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन कंटिन्यू आपको एंजॉय देते रहते, तो वो ऐसे ही टाइप का बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, नॉर्मली आपको हंसाते रहते हैं, वो उससे काफी ज्यादा टाइम पास होता है। अच्छा, अब हम शो को बढ़ाते हैं, गोपाल सिंह भी हैं, ठीक है, आगे हम शो को बढ़ाते हैं। और अभी जगत आप सुनिएगा, ठीक है, हमारा अब ये जो शो है 3 राउंड्स में हमने इसको डिवाइड किया है। 3 राउंड में सबसे पहला जो राउंड रहेगा वो क्रिकेटिंग राउंड रहेगा, जहां आपसे कुछ क्रिकेटिंग सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद रहेगा नॉन क्रिकेटिंग राउंड, जिसमें कुछ नॉन क्रिकेटिंग सवाल आपके हॉबीज पैशन के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद लास्ट राउंड रहेगा रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम रैपिड फायर में आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, 4-5-6 सवाल, जिसका 1 वर्ड में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो क्रिकेटिंग राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो जी जी, पहला सवाल क्रिकेटिंग राउंड में, योर फेवरेट क्रिकेटिंग नॉक टिल नाउ, आपका फेवरेट क्रिकेटिंग नॉक अगर पूछूं।
कोई एक को लेना है। बहुत टफ सवाल है ये, काफी ऐसे सारे मतलब पता है, मगर नियर रिकॉर्ड पकड़ लीजिए, ऐसा कोई मैच हो जिसमें मतलब बहुत दो अच्छा मैं लेना चाहूंगा, दो नाम लेना चाहूंगा। एक चकिंग में था जब मैं भीलता की टीम में खेलता था, इट वाज मुकुंदपुर कांथी का टूर्नामेंट है, डे आई थिंक 120,000 और 80,000 का था, और वो उड़ीसा के अगेंस्ट में फाइनल था। हम लोग की टीम में हम कामरुल भैया, भौबा दा, भीम भैया, स्वागतो भैया, ये लोग तब खेलते थे एक साथ। तो वो नाइट में हो रहा था, वो लोग 6 ओवर में 67 टारगेट दिए, तो काफी बड़ा ग्राउंड था, और 67 चकिंग में जब वो चकिंग आ गया था उड़ीसा, तो वो इम्पॉसिबल टू चेस था। हम लोग के पहले, मैं ओपन करता था तब, पहले दो ओवर में हम लोग का 4 रन बना और 4 विकेट गिर गया, फिर हम कामरुल भैया बैटिंग किए, मैंने नॉन स्टॉप मार के हरा दिया था, तो एक ओवर पहले मैं जीत गया था, हम लोग जीत गए। तो वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स था चकिंग में, मैं बोल पाऊँ तो, ये वो काफी बड़ा ग्राउंड था, मैं ग्राउंड के हिसाब से बोलूँ वो काफी बड़ा ग्राउंड था, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट ग्राउंड ऑफ वेस्ट बंगाल, लाइक काफी बड़ा ग्राउंड था। और एक फेयर में अगर बोलूँ तो आई थिंक अग्निसंस्कार का एक था सेमीफाइनल, और जिसमें अगेंस्ट में था हम लोग, राजदा लोग के अगेंस्ट में थे हम लोग, उन लोग के टीम में काफी अच्छी टीम थी, मतलब ऑल स्टार्स टीम था, सोगतो था, पीकू था, हलचल, मारुति, आशीष अगरकर, सुमित, एवरीवन, बिमल, एवरीवन इन देयर। तो उसमें वो लोग टारगेट दिया था 6 ओवर में 76, और वो हम लोग का काफी मतलब पहला जो बड़ा टूर्नामेंट होता है बंगाल में, वो उस टाइम पे हुआ था, वो तो वो जीतना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और हम लोग का स्टार्टिंग खराब हो गया, पहले ओवर में विक्की भी आउट हो गए, फिर गोपाल भी रन आउट हो गया, तो 2 ओवर में हम लोग का 14 रन बना था, 4 ओवर में चाहिए थे 64। अच्छा। फिर मैंने 1 ओवर में 36 मारा था विवेक को और आशीष अगरकर को, 2 बॉल में 2 छक्का, मतलब 8 बॉल में कंटिन्यू छक्के मारे थे, वो भी काफी बड़ा ग्राउंड में खेला हो रहा था। अच्छा। तो वो मतलब वो दो रहते हैं माइंड, मतलब मेमोरी में रहते हैं, ऐसा मेमोरी में रहते हैं। वो टूर्नामेंट कभी भी होते हैं या फिर बंद हो गए? नहीं नहीं होते हैं यार, अग्निसंस्कार तो अच्छे मतलब होते हैं, तो YouTube में वो वाला वीडियो भी आ गया मेरा, शायद किसी ने डाल दिया था वो अग्निसंस्कार वाला। अच्छा। वो 27 दिसंबर को होता है, मतलब पहला बड़ा टूर्नामेंट हिसाब से वही होता है, 1.5 लाख इस साल, 1.5 लाख इस साल भी हम लोग चैंपियन हुए, इसके अगले साल भी हम लोग चैंपियन हुए, तो उसके अगले साल भी हम लोग चैंपियन होते हैं। अच्छा रिकॉर्ड है आपका, चैंपियन टीम हो तो। नहीं नहीं, वो उस ग्राउंड में टिल्लुविया का लक सच में बहुत सर, हाँ सरगम, उसी ग्राउंड में सरगम भी होता है, तो अच्छा, सरगम भी हम लोग 3 साल से जीतते आ रहे हैं। लकी ग्राउंड है आप बीबीडीसी के लिए। हाँ लकी ग्राउंड है, लकी ग्राउंड है बीबीडीसी के लिए, सच्ची बात है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये है, हु इज योर फेवरेट T20 प्लेयर? T20 प्लेयर मेरा ऑल टाइम फेवरेट में MS धोनी आते हैं, उनको मैं बहुत मानता हूँ, अपना आइडल मानता हूँ मैं, तो मेरे हिसाब से ऑल टाइम फेवरेट, मतलब कोई क्वालिटी उनका जो पसंद है T20 में, कोई ऐसा क्वालिटी उनका, फिनिशर बहुत मतलब एक्सेप्शनल, यही सब कहते हैं वो, उनके ऐसा कोई नहीं है, और उनके ऐसा कूल भी कोई नहीं है, तो मैं बहुत मानता हूं उनको। वो तो देखता हूं हम लोग कि आप बहुत ही अच्छा MS धोनी की तरह हेलीकॉप्टर खेलते हैं, हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा खेलते हैं, ये बहुत अच्छी गेंद को भी आप हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं। थैंक यू, वो नेचुरली हो गया है थोड़ा बहुत। आपका एक लायल का में शॉट था जो गया सीधा टैंक को टच किया था, वो बहुत बढ़िया स्ट्रोक था। हाँ वो बड़ा दूर चला गया था। हाँ बड़ा दूर। अच्छा तो तीसरा सवाल रहेगा, विच टीम डू यू सपोर्ट इन IPL, कौन से टीम को सपोर्ट करते हो? ऑब्वियसली CSK। धोनी है, लेकिन मैं CSK को शुरू से मतलब करता पहले से ही फॉलो कर रहा हूं। हां 16-17 मैंने देखा ही नहीं उतना अच्छा, मतलब धोनी थे तब भी मैं देखा नहीं, कि CSK का अलग मतलब नशा, जो CSK के ट्रू फैन है वो, उनके लिए CSK टीम ने बहुत कुछ है, तो मैं CSK को बहुत मानता हूं। तो आपका चौथा सवाल ये है कि जिस तरह हम लोग IPL या BBL में देखते हैं कि जितनी सारी टीम है सबकी अलग-अलग जर्सियां हैं, तो जी क्या लगता है कि बंगाल टेनिस क्रिकेट में भी हर टीम को अपना सेपरेट जर्सी बनाना चाहिए?
जाहिर सी बात तो का बनाते भी है शायद, दो एक दो टीम छोड़ के सभी अपने जर्सी बनाते हैं, जितने बड़े टीम है तो शायद सभी बना लेते हैं अपने जर्सी। जैसे हम लोग का तो जर्सी बहुत बनता है, इस साल तो हम लोग का 10-10 जर्सी मतलब सेट बना है, मतलब रेगुलर शायद। ये अगर ये सवाल इसलिए इतना सीरियस है क्योंकि पकड़ लीजिए हर एक टूर्नामेंट में अलग जर्सी बने या फिर एक जर्सी को लेके अगर चले तो ज्यादा आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे कि CSK येलो है, येलो ब्लू जी, तो ज्यादा बेहतर हो, मतलब होम या एवे जर्सी रहे। अगर अगर हाँ अगर आप अगर ऐसा करते हैं हम लोग की हर कोई टीम अपना टीम दो जर्सी सेट बना के रखे, टूर्नामेंट में क्या होता है, बड़े टूर्नामेंट में क्या होता है कि ऐसे नांदनिक हो गया, सरगम हो गया, सॉरी नांदनिक हो गया, रेड रोज हो गया, राजनंदनी हो गया, ऐसे काफी सारे टूर्नामेंट में देते हैं प्लेयर लोग को इंडिविजुअल टी-शर्ट्स। तो अपने मतलब सब टीम को दो तीन ड्रेस बना के रखना चाहिए कि एक यहाँ पे पहनेंगे तो ऐसे तो ड्रेस मिलेगा, लेकिन सब लोग अगर वही वाला ड्रेस पहन के खेलेंगे तो अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड शुरू हो चुका है क्योंकि हम लोग भी पहन के, और आगे शायद बढ़ेगा। हाँ हाँ, एपेक्स भी पहन के खेलता है, मोहनपुर भी खेला है, राजदा भी खेले हैं, तो अच्छी टीम है, स्विटलैंड भी खेले हैं, तो काफी सारे वो लोग अभी सबको अपना जर्सी बना रहे हैं। जर्सी का कल्चर आ चुका है बंगाल टेनिस की। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आ चुका, पहले तो व्हाइट था, अभी व्हाइट ड्रेस। हाँ, पहले व्हाइट हुआ करता था पहले व्हाइट हुआ करता था मैं खुद व्हाइट पहन के खेलता था। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं दूसरे राउंड में। हमारा जो दूसरा राउंड रहेगा वो नॉन क्रिकेटिंग है, हमने क्रिकेट अब खत्म कर दिया है, भूल जाइए क्रिकेट जगत। अब हम बात करेंगे सीधा पकड़ लीजिए आपके पर्सनल पैशन हॉबीज पे बात करेंगे। तो इसी के साथ पहला सवाल जो आपके लिए रहेगा, सुन लीजिए अच्छे से, पकड़ लीजिए, अभी आपको एक मूवी देखने की बात करूं मैं, ठीक है? कौन सा टाइप का मूवी आप देखना पसंद करेंगे, एक्शन, रोमांस या बायोपिक? लाइक मुझे सस्पेंस मूवी देखना, लाइक बायोपिक, आयुष्मान खुराना की मूवी देखना बहुत पसंद है, मैं बिग फैन ऑफ आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और काफी सारे हॉलीवुड मूवी मैं देखता हूँ, जैसे एवेंजर हो गए, ऐसे काफी सारे मूवी पसंद है, बायोपिक्स भी पसंद है। हाँ हाँ, बायोपिक्स भी पसंद है। जेम्स हेम्सवर्थ का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनका भी सारे फिल्म देख चुका हूँ मैं, तो ऐसे नॉन मतलब कॉमेडी भी पसंद है, ऐसा नहीं कॉमेडी पसंद नहीं, कॉमेडी बहुत पसंद है, कॉमेडी अक्षय कुमार, हमारे अक्षय कुमार ही बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं। अक्षय कुमार जी जी। लास्ट कौन सी मूवी देखी आपने? लास्ट कौन सी मूवी है? बाला, मैं आयुष्मान की कोई भी पिक्चर मिस नहीं करता हूँ, इम्पॉसिबल, मतलब कोई भी कैसे भी क्रिकेट चल रहा है कभी भी टाइम निकाल के बाला बहुत अच्छा मूवी है सोसाइटी के लिए। मेरे ख्याल से जी जी, मेरे ख्याल से आयुष्मान खुराना की सबसे अच्छी मुझे काफी सारी पिक्चर लगती है, अंधाधुन हो गया, ड्रीम गर्ल हो गया, एक सोशल मैसेज भी रहता है साथ में, ऐसा टाइप की मूवीज भी करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत 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 अच्छे। राजकुमार राव हो गए, वो बहुत अच्छे एक्टर है। लेट इरफान खान हो गए, वो भी काफी अच्छे एक्टर है। कार्तिक, बहुत दुख लगा इरफान खान का न्यूज सुन के। जी जी, ऋषि कपूर लेजेंड, इरफान खान लेजेंड, दोनों का ध्यान हो गया। खैर 2020 तो सबके लिए खराब ही जा रहा है, सबके लिए देखिए कैसी नहीं तो हमको इस तरीके से बैठ के बात करना नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ग्राउंड पे मिलते सब, सब ग्राउंड पे मिलते, सही बात, बातें ग्राउंड पे होती, ग्राउंड पे बातें होती, अभी भी टूर्नामेंट चल रहे होते आराम से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मुड़ते हैं। फ्री टाइम में जगत सरकार क्या करना पसंद करेंगे, इंडोर एंड आउटडोर खेलेंगे या फिर बाइक राइड पे जाएंगे? देखिए इसमें स्पेसिफिक है, मैं बता रहा हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए, स्पेसिफिक है। इंडोर जो बोली, ठीक है, सुनो एक तो बांग्लादेश अच्छी, इंडोर जो हो तुम्हें बोलना धरो जे एक गेम कैराम खेलबे नाकि फुटबॉल खेलबो बाहर, चलो actually तो बोलते के लिए हम कैरम वो खेली ना, फुटबॉल वो खेली ना, फुटबॉल बहुत भय लगे हमारे खेलते। अच्छा, कैरम खेली मजा नहीं, बट रिटर्न मोड जी तुम्हें बोलो हमको चूज करते, हमें ऑब्वियसली जिम में जाते पसंद करबो, हमें जिम में जाते खूब ভালো লাগে, ফিটনেস করতে স্পেশালি আমি বহুত ভালো লাগে, एक्चुअली এটা প্রফেশন না আমার প্যাশন আছে, জিম করা, রানিং করা, মানে এটা তোমার সাইড বাই একটা প্যাশন আছে, ক্রিকেট ক্রিকেটের আলাদা জিম একটা প্যাশন আছে। হ্যাঁ মানে আমার বডি কে সব সময় ফিট রাখা আমার একটা খুব ভালো লাগে।
আমার বাইক ড্রাইভিং করতে বহুত ভালো লাগে। বাইক রাইডিং আদিত্য থার্ড অপশন রেখেছিল। হ্যাঁ বাইক রাইডিং করতে খুব ভালো লাগে। রিসেন্টলি আমি কার চালানো শিখেছি, তো কার নিয়েও যেতে ভালো লাগছে আমার। তো তিন নম্বর প্রশ্নটায় যাচ্ছি, তিন নম্বর প্রশ্নটা শোনো, ধরে নাও দুপুরের খাওয়া বা রাতের ডিনার কোথায় করবে? এক ভজহরি মান্না, দুই দাদা বৌদি বিরিয়ানি। এখন তো ডায়েটে আছি, এখন তো নরমালি খাবার যেটা বেটার হবে সেটা, বাট যদি ডায়েটে না থাকি তো অবভিয়াসলি দাদা বৌদি, মানে বিরিয়ানি, বাঙালি মানে বিরিয়ানি, তাই তো? বিরিয়ানি খেতে ভালো লাগে। এই বিরিয়ানি বলতে কালকে রাত্রে দাদা এনেছিল, বাট এত কষ্ট লাগছে খেতে পারছি না, আমি তোরা খেয়ে নে দাদাই, নালে আমি নিজে কন্ট্রোল করতে পারবো না। সো তো চৌথা সওয়াল, ওয়েব সিরিজ নেটফ্লিক্স পে, অ্যামাজন ইয়া হটস্টার পে দেখনা পছন্দ হ্যায় নাকি? সারি জায়গা পে মে দেখতা হু, কাফি পছন্দ হ্যায়। মতলব সময় মিল জাতা হ্যায় কি নেই, ইয়ে বড়া সওয়াল হ্যায় কি নেই? আবি মিল, আবি মিল রহা হ্যায়, আবি মিল রহা হ্যায়, এসা নেই কি মিল জাতা হ্যায়, আবি মিল রহা হ্যায়, আবি পুরা, আবি নেটফ্লিক্স দেখতা হু, রেড নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন, মে কুছ দিনো পেহলে ও ওয়ালা মুভি দেখা হ্যায়, হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েহি পুছনে ওয়ালে থে, অ্যামাজন পে, ইয়েহি পুছনে ওয়ালে থে, লাস্ট কিয়া দেখা থা? কাফি আচ্ছা মুভি থা, দ্য লায়ন কিং দেখে থে। আচ্ছা দ্য লায়ন কিং। अच्छा, अब पांचवा सवाल जो है एक सीरियस सवाल है, ठीक है जी। मैरिज के बारे में आपने क्या सोचा है, कब करने वाले हैं? एक और दूसरा कि कोई फिक्स है कि खोजेंगे? इसका क्या जवाब दे? पहला तो आपने दिया कि अभी नहीं सोचे हैं। नहीं सोचे हैं, कोई फिक्स भी नहीं है। अच्छा, नहीं सोचे, थोड़ा कामयाब हो जाते हैं पहले। अच्छा, अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं। ये तो जरूरी बात है। फैमिली, ये तो बंगाली फैमिली में आप लोग को पता ही है, 24-25 के बाद से मम्मियां बोलने लग जाती है शादी कर लो शादी कर लो। मेरे घर पे भी होता ही रहता है ये, तो वो संभालना पड़ता है, ये ट्रेडिशन आ गया है। जी जी जी। अच्छा, तो जगत सरकार शादी सेरेमनी में एथनिक्स ड्रेस या फिर फॉर्मल ड्रेस कौन सा पहनना पसंद करेंगे? लव टू वेयर फॉर्मल, मैं 90% तो फॉर्मल ही पहनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई पार्टी हो, नॉर्मली हो, ओकेशन हो, मुझे फॉर्मल पहनना बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब जगत इज लाइक फॉर्मल एवरीडे। बहुत कलेक्शन है, मतलब मैं शॉपिंग करता हूँ तो 90% फॉर्मल ही करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसी के साथ हम तीसरे राउंड पे बढ़ते हैं, ये राउंड यहीं पे खत्म होता है। तो तीसरा राउंड है रैपिड फायर राउंड, जिसमें आपको वन वर्ड पे आंसर देना है। हम ऑप्शंस भी देंगे, कभी कभी ऑप्शंस नहीं भी देंगे, माथे में जो भी पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा अब वही बोल दो, ठीक है? तो रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल रहेगा, बिरयानी इन हैदराबाद और इन बंगाल? बंगाल अरसलान। आपका दूसरा सवाल, ऑल टाइम फेवरेट कैप्टन कौन है आपका? टिल्लू शर्मा। तीसरा सवाल रहेगा आपके लिए कि आपका फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक। आपका चौथा प्रश्न, फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? बॉलीवुड। अच्छा, बॉलीवुड भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर है, आपके ऊपर। इन बॉलीवुड ऑल टाइम फेवरेट अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, दो मैं नाम लेता हूँ। एक्ट्रेस आई वुड बी, आई एम रियली ह्यूज फैन ऑफ शारदा कपूर, और हॉलीवुड में जेम्स हेम्सवर्थ, और उतनी एक्ट्रेस पसंद नहीं है मुझे हॉलीवुड की। अच्छा, पांचवा सवाल आपका रहेगा कि सेलिब्रिटी कोई क्रश है, कोई क्रश पकड़ ले? शारदा, श्रद्धा कपूर जी। और आपका आखिरी प्रश्न ये है कि बेस्ट टेनिस क्रिकेट रहेगा, एक म्यूजिक पे भी रहेगा, एंड बेस्ट टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट इन बंगाल? काफी सारे हैं, अगर एक बोला जाए तो राजनंदिनी। तो सातवां सवाल अंतिम सवाल जो रहेगा वो है कि म्यूजिक पसंद है कि नहीं, और म्यूजिक पसंद है तो एक सिंगर, फीमेल हो मेल हो, कोई भी बोल सकते।
म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा सुनता हूँ, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा म्यूजिक सुनता हूँ। म्यूजिक सूथ करता है आपको मतलब? बहुत बहुत ज्यादा मतलब क्रिकेट में मैं टूर्नामेंट में खेलने जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, जर्नी कर रहा हूँ, कभी मैं म्यूजिक सुनता हूँ। मतलब रिलैक्स करता है बहुत। जी जी और सिंगर में ऑल टाइम फेवरेट के सर, बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, तो इसी के साथ जो है हमारा जो है क्वेश्चन का राउंड खत्म होता है। आपसे फीडबैक जानना है, कैसा लगा आपको ये? थोड़ा अलग था, अच्छा लगा, थोड़ा अलग था, अलग था, अलग था, अलग अलग था। ज्यादातर देखते रहते हम लोग इंटरव्यू, तो काफी अच्छा था। हमने सोचा कि क्यों ना मतलब कि किसी भी प्लेयर का हो, टेनिस क्रिकेटर को, उसके जो है पर्सनल लाइफ को इंक्लूड किया जाए, कुछ चीजें जाना जाए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली जो है कि पकड़ लीजिए अगर हम ये चीज ऑफलाइन में करते, पकड़ लीजिए पास में करते, एक साथ करते जी, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट होता जो हम देते जी, जी, जी। मगर अभी जो है क्योंकि हम थोड़े दूर है तो एक गिफ्ट हमने रखा है फिर भी हमारी तरफ से, तो वो हम आपको दिखाना चाहते हैं यही से। तो आदित्य जी जी, तो ये है हमारी तरफ से, वी लव यू जगत सरकार, हमने बनाया स्पेशली आपके लिए। या थैंक यू। तो एंड आई लव ऑल, मुझे भी बहुत पसंद है worldcricket.com, वो मेरे काफी सारे वीडियोस अपलोड करते हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा हमेशा करता हूं। थैंक यू फॉर बीइंग सो फ्रेंडली। सारे वीडियोस भी अच्छे लगते हैं जो हम करते हैं, बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को भी इतना सपोर्ट कर रहे हो आप, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। कुछ ऐसा ही था मतलब इस तरीके का एक शो बनाने का, एक वेब शो ऐसा बनाने का इच्छा था कि अलग हो, पहला ऐसा शो हो, वेब शो हो जो बंगाल टेनिस क्रिकेट में प्लेयर्स के जो है हार्ट को टच कर पाए मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, तो होप आपको अच्छा लगा हो ये शो। तो साथ में एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, आप साथी में कहिएगा, मैं एक लाइन कह देता हूँ कि रेगुलर बंगाल टेनिस क्रिकेट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए worldcricket.com को और बेल आइकॉन प्रेस को दबाइए रेगुलर वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए अलविदा लेता हूँ आपसे, और अलविदा लेने से पहले अपने फैंस के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहे, कैसे फिट रहे हो, बोलते जाओ, किछु जो बोलते जाओ फैंस देखे। अभी लॉकडाउन भी है तो जे कोनो भाषा बोलते पारो, बांग्लाते ही बोलछि आमी एक्चुअली, बोलो वैसे फैन আছে আমার। তো আমি চাই যে তোমরা ক্রিকেটটা ভালোভাবে খেলো, মন দিয়ে খেলো, লকডাউন মিটে যাওয়ার পর। যদি লকডাউন আছে এখন, বহুত প্রবলেম চলছে দেশে, এত বেশি আরে ইন্ডিয়াতে বেড়ে যাচ্ছে, above I think 97,000 হয়ে গেছে আজকে। তো if যদি possible হয় একটু নিজেকে ফিট রাখার চেষ্টা করো, যদি near about কোনো গ্রাউন্ড থাকে ওতে গিয়ে একটু রানিং করতে পারো, নিজেকে ফিট রাখতে পারো। প্র্যাকটিস করার কথা বলছি না, সকালে 5টার সময় উঠে 1 ঘন্টা যদি ছোট মুখে মাস্ক লাগিয়ে দেন কেউ কিছু বলবে না তোমাকে, যদি পারো তো সেটা করো। আর যদি সত্যি ক্রিকেট নিয়ে ভাবতে চাও তো সত্যি এখন টেনিস ক্রিকেটের ফিউচার আছে, আমি মনে করি, এটা সবাই মনে করে, যদি তুমি ভালোভাবে মন দিয়ে খেলো তো obviously তোমার ফিউচার আছে। আর obviously যেটা হয় চান্স তোমায় কেউ দেবে না, যখন তুমি কোনো ভালো টিমের এগেইনস্টে পারফর্ম করবে সেই বড় টিমটা নিজে তোমাকে এসে নিয়ে যাবে, তোমাকে খেলার জন্য অ্যাপ্রোচ করবে। তো জাস্ট ফোকাস অন ইয়োর ফিউচার। আমাদেরও আসতে অনেক টাইম লেগেছে প্রফেশনাল ক্রিকেটে, আমাদেরও 5 বছর 4 বছর লেগেছে, বাট আমরা ক্রিকেটটা খেলে গেছি, কোনোদিন এটা ভাবিনি যে আমাদের বড় টিম খেলতে হবে, জাস্ট আমরা এটা ভেবেছি আমাদের ক্রিকেট খেলতে হবে। তো ফোকাস ক্রিকেটে করো, যতটুকু সিনিয়রদের শেখাচ্ছে তোমাকে ততটুকু মন দিয়ে শেখো, না আর্গুমেন্ট করো ওদের সাথে। তো বাস এটাই তোমার ফাইনালি, বাট লাস্টলি স্টে সেফ, স্টে হোম, এখন যেহেতু করোনা আছে। তো একটু সময় তোমাকে অপেক্ষা করাচ্ছি, আমরা একটু কথা বলে নিচ্ছি। লাস্ট যেটা হলো যে দর্শকগণ কে লিয়ে ইয়ে হ্যা কি কমেন্ট করকে বতাইয়েগা, কোই আগর আপকো সওয়াল চাহিয়ে, নেক্সট এপিসোডস আতে রহেঙ্গে, নয়ে টেনিস ক্রিকেট প্লেয়ার্স আতে রহেঙ্গে, किसको आपको चाहिए आप कमेंट करें, क्या सवाल है, कोई स्पेसिफिक सवाल भी हो वो भी कर सकते हो, वो लिख के बता सकते हो हमें इस वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो है एपिसोड में किसी नए बंगाल टेनिस क्रिकेट प्लेयर के साथ। आज के लिए जो है किशोर कुमार बैनर्जी आपका एंकर और हमारे को एंकर आदित्य कुमार पांडे की तरफ से जगत टाटा बाय बाय से भी हम जो है अलविदा लेते हैं इसी के साथ। तो टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, फिलहाल के लिए टाटा बाय।